हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाला हूं, जो हमारा एटॉमिक प्लान के अंदर एन फार्मूला है। बहुत से लोगों को डाउट है ये एन फार्मूला क्या होता है, उस एन फार्मूले पर मैं चर्चा करने वाला हूं आज दोस्तों। लेकिन एक चीज़ मैं निवेदन करूंगा कि इसमें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हैं, बहुत सारे डाउट्स आते हैं। मैक्सिमम डाउट्स तो आपके यहाँ क्लियर होने वाले हैं, डेफिनेटली होने वाले। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इस पूरे वीडियो को देखने से पहले, आपको मैंने एक हफ्ते पहले जो प्लान डाला है, प्लान का वीडियो डाला है, उसकी मैंने जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, अगर आपने वो प्लान नहीं देखा है तो सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले उस प्लान को देखिए। अगर आपने वो प्लान नहीं देखा तो ये आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाके, अगर आपने प्लान नहीं देखा तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए, कम से कम दो बार देखिए। कई बार क्या हो रहा है कि मैंने प्लान इतना क्लियरली डाला है, उसके बाद भी कुछ ऐसे क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं जिसका कोई तुक नहीं है, जिसका कोई भी मतलब ही नहीं था उसको, जो मैंने सारी चीज उसमें क्लियर करी है। तो कोशिश करिए कि कोई भी प्लान जब आप मैं डालता हूं या आपको वीडियो डालता हूं तो कम से कम दो तीन बार उसको देखिए, क्योंकि एक बार में कई बार समझ में नहीं भी आ सकता है आपको। तो आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं इस शानदार प्लान की एक बहुत खूबसूरत ब्यूटी कि किस तरह से आपका कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है एन फार्मूला के जरिए। तो देखेंगे, मैंने यहां पर पूरे कैलकुलेशंस पहले से लिख कर रखा है ताकि आपके वीडियो का टाइम कम से कम हो और आपको आसानी से मैं समझा सकूं। देखिए, मैं जनरल कमीशन की पहले बात करता हूं। जनरल कमीशन में आपने देखा कि इस तरह से हमारा मैचिंग होता है, जैसे 3-3 लाख अगर आपका पीवी मैच होता है तो आपको 15 पॉइंट मिलता है। ये जो कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए किया है, एग्जैक्ट ऐसा होता है ऐसा जरूरी नहीं है। 3-3 लाख पीवी पर आपको 15 पॉइंट और 3-3 लाख पर 5 पॉइंट भी मिलता है, लेकिन मैंने 15 से शुरू किया है, 15 पॉइंट मिलता है। जब 7-7 लाख पीवी मैच होता है आपका तो आपको यहां पर 30 पॉइंट मिलता है। जब आपका 15-15 लाख पॉइंट होता मैचिंग होता है पीवी तो आपको 60 पॉइंट यानी 60 पॉइंट मिलता है। जब आपका 24-24 लाख पीवी मैच होता है तो आपको 90 पॉइंट मिलते हैं। 60-60 लाख पर आपको 150 पॉइंट मिलते हैं। 2 करोड़ 2 करोड़ के मैचिंग पर आपको मिलता है यहाँ 250 पॉइंट और 5 करोड़ पर मिलता है आपको 300 पॉइंट। इस तरह से आपको पॉइंट मिलते हैं। तो इस पॉइंट्स का क्या संबंध है आपके कमीशन से, किस तरह से आपका कमीशन कैलकुलेट होता है? तो आपको जैसे पता है कि ये डेली बेस पर कैलकुलेट होता है, डेली क्लोजिंग होता है और डेली पॉइंट कैलकुलेट होते हैं। मतलब डेली के हिसाब से जितना टर्नओवर कंपनी का होगा उसके हिसाब से आपकी इनकम होगी। जरूरी नहीं कि आज आपके 15 पॉइंट हैं और आज की आपकी जो भी इनकम है वो कल भी सेम होगी, थोड़ी बहुत डिफरेंस आएगी। देखिए कैसे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि हमारा जो डेली क्लोजिंग हो रहा है, सपोज कीजिए 15 पॉइंट वाले 10 लोग किसी दिन है, कोई भी एक दिन ले लीजिए आप। मान लीजिए आज की डेट है 21 तारीख या 20 तारीख, जो भी है, आज की डेट में 15 लोग 3-3 लाख मैचिंग वाले हुए कंपनी के पास, आज ही के दिन 30 पॉइंट वाले भी 10 हुए, आज ही के दिन 60 पॉइंट वाले भी 10 हुए, आज ही के दिन 90 पॉइंट वाले भी 10 हुए, 150 वाले 10 हुए, 250 वाले 10 हुए और 300 वाले भी 10 लोग क्वालिफाई हुए। तो इस तरह से आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 70 लोग कंपनी के क्वालिफाई किए हैं कमीशन के लिए, लेकिन वो सबका अलग अलग पॉइंट है। अब मान लेते हैं कि ये 10 लोग 10 पॉइंट के, यानी टोटल पीवी कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 150, 300, 600, 900, 1500, 2500, 2500 और 3000 पीवी, ऐसे टोटल मिला के 8950 पीवी डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब ये कमीशन के रूप में जाएगा। लेकिन एन फार्मूला क्या कहता है? एन फार्मूला ये कहता है कंपनी के टोटल टर्नओवर का, जब आपको पता है कि यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है 44% हमारा जनरल कमीशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कंपनी का इस दिन का टर्नओवर, एक दिन का, ध्यान रखिएगा ये डेली के टर्नओवर होता है, यह है 10 करोड़ पीवी। आज पूरे वर्ल्ड में 10 करोड़ पीवी का टर्नओवर हुआ कंपनी का। अब 10 करोड़ पीवी में से हमारा सिस्टम या प्लान क्या कहता है कि जितना भी आपका वर्ल्ड वाइड पीवी टर्नओवर हो रहा है उसका 44% जनरल कमीशन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 44% मतलब 4,40,00,000 पीवी ये डिस्ट्रीब्यूट होगा जनरल कमीशन में। अब 4,40,00,000 पीवी को ये एन फार्मूला जो यहां देख रहे हैं इसको समझिए। एन फार्मूला ये कहता है कि जितना भी पीवी आपका डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है जनरल कमीशन में वो डिवाइड बाय जितने लोगों को ये पीवी मिला, कितना, 8950, इसको इससे डिवाइड कर देंगे।
जब 4,40,00,000 को 8,950 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4,916 won। won means ये करेंसी है साउथ कोरिया की। ये आपका जो 4,916 है ये एन है, आज का एन। इसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका। कैसे होगा देखिए, 4,916 won का एक पॉइंट बना, मतलब ये किसी बंदे के पास 15 पॉइंट है तो 15 × 4,916 = जो रिटर्न आएगा वो उसका कमीशन होगा। फॉर एग्जाम्पल आज इसका बना 4,916 won, तो एक won = रुपीज में अगर देखेंगे तो 0.063 रुपीज होता है। तो हम रुपीज में कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए आप, आज एन क्या निकला, आज का एन निकला 4,916 won। तो अब किसी बंदे के मान लीजिए 15 पॉइंट है, सपोज कीजिए 15 पॉइंट, इस बंदे को कमीशन कितना मिलेगा रुपीज में, इसके 15 पॉइंट है, 15 × 1 पॉइंट की वैल्यू 4,916 won है, तो इसको टोटल कमीशन मिला 74,640 won, 74,640 won इस बंदे को कमीशन मिला। लेकिन रुपीज में कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 0.063 रुपीज, तो इसका रुपये में आएगा 4,702 रुपए इसका कमीशन बना। जितने भी 3-3 लाख वाले मैचिंग वाले हैं उसका उस दिन का कमीशन कितना गया, ये गया 4,702 रुपए। अब किसी बंदे को अगर 30 पॉइंट मिले तो सेम फार्मूला से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 30 पॉइंट वाले का कमीशन चला जाएगा 9,291 रुपए हर बंदे का कमीशन जाएगा। इस तरह से आप उसको कैलकुलेट करते जाएंगे, ये एन फार्मूला है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कई बार लोगों को कि सर ये आपने बहुत सारे लोगों को पूछा ये फ्लश होता है क्या, क्या होता है ये फ्लश होता है क्या, कंपनी के पास चला जाता है क्या होता है। देखिए इस फॉर्मूले का मतलब ये कहता है, एन फॉर्मूला ये कहता है कि जैसे जैसे कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा और अचीवर्स कम होंगे, ये अचीवर्स है, ये कंपनी का टर्नओवर है, आप देखिए इसको, तो जितना ज्यादा टर्नओवर होगा और अचीवर कम होंगे तो ये एन एन बड़ा होगा, एन ऊपर जाएगा, एन ऊपर जाएगा, एन ऊपर जाएगा मतलब आपका कमीशन सबका ऊपर जाएगा। एन का नीचे आने का मतलब है कमीशन नीचे आना, यानी कि टर्नओवर उस दिन कम है लेकिन अचीवर्स ज्यादा है तो उस दिन कमीशन कम बनेगा। तो ये एन फॉर्मूला इस बेस पर ही आधारित है पूरा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं मैं आपको, ये मैंने कैलकुलेशन बताया, सपोज कीजिए किसी बंदे का एक साइड 3 लाख, आज के दिन एक साइड में 3 लाख हो गया, दूसरी साइड में 5 लाख हुआ पीवी, तो 3 लाख मैच हो गया और 2 लाख जो बचा हुआ है वो 2 लाख कंपनी के पास नहीं जाता। लोग बोलते क्या होता है 2 लाख, क्या होता है जो यहां से 2 लाख बचता है, जो ये 2 लाख बचता है वो 2 लाख सीधे चला जाता है ये यहां पर ग्लोबल टर्नओवर में, और जैसे ये ग्लोबल टर्नओवर में जाता है तो आपका ये 44% भी बड़ा होगा, और वो बड़ा होगा तो इसका मतलब ये एन आपका बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप देखिए कि जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कंपनी के पास नहीं जाता है फ्लशिंग के तौर पर, वो जाता है एन, ये कंपनी के टर्नओवर में, जो एन की वैल्यू को बढ़ा देता है। और इसी तरह जैसे मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले एक बंदे का डिटेल भेजा था, इंडोनेशिया का एक बंदा था जो जिस भी रैंक पर था वो बंदा, उसकी खासियत क्या थी आपने देखा था कि रॉयल मास्टर रैंक थी उसकी, उसका एक साइड में 6 करोड़ पीवी और एक साइड में 15 करोड़ पीवी था एक दिन का। तो अब क्या हुआ सर, अब आप देखिए यहाँ कैपिंग है, 5 करोड़ से ज्यादा का जनरल कमीशन आप नहीं ले सकते, दैट मीन्स उसका इधर से 1 करोड़ गया और इधर से गया कितना, 5 करोड़ निकाल दिए तो 11 करोड़, तो 11 करोड़ इधर से, 1 करोड़ इधर से, ये टोटल 12 करोड़ यहाँ जाकर मिल जाता है। और आपका इसका मतलब ये हुआ कि आपके क्रॉस लेग का भी टर्नओवर बड़ा हो रहा है और फ्लश हो रहा है, तो आपको एन फार्मूला बड़ा हो रहा है, एन की वैल्यू बड़ी हो रही है और आपका रुपीज में कमीशन बड़ा हो रहा है। तो ये प्लान की ग्लोबल ब्यूटी है कि कोई बंदा सेल्स मास्टर बना अमेरिका में, कोई बंदा जापान में रॉयल मास्टर बना, उसका भी जो कमीशन फ्लश हो रहा है या मैचिंग हो रहा है वो सारा का सारा एन की वैल्यू को चेंज कर रहा है, मतलब आपके क्रॉस ग्रुप की ग्रोथ को देखकर भी आप यहां पर खुश होंगे। ये इसकी सिंपल थ्योरी है जिससे हमारा कमीशन डिसाइड होता है डेली बेसिस पर। और एक और चीज, कई लोग बोलते थे कि यहां पर फ्लश होके मैंने फ्लशिंग वाला आपका कैलकुलेशन खत्म किया। आप जिस भी स्लैब पर है, जैसे सपोज कीजिए आपका स्लैब 7,00,000 वाला है, यानी आप यहां पर जो है पहले जो है एजेंट रैंक पर थे और यहां पर आप जो है क्वालिफाई करके नेक्स्ट रैंक पर आ गए,
तो यहां पर आपका 7 लाख 7 लाख मैचिंग हो रहा है, स्पेशल एजेंट पर आ गया। अब आपका किसी दिन अगर मान लीजिए 5 लाख हुआ और इधर के साथ 6 लाख हुआ, तो दोनों साइड कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लोगों को कंफ्यूज होना था क्या उस दिन क्या होगा, जब तक दोनों साइड 7-7 लाख नहीं पहुंचेगी तब तक दोनों लेग कैरी फॉरवर्ड होगा, और उस क्लोजिंग वाले दिन जिस दिन भी आपका 7 लाख मैच हुआ आपको कमीशन मिल जाएगा और बचा हुआ एन फॉर्मूले में चला जाएगा या ग्लोबल टर्नओवर में चला जाएगा। इसी तरह जब आप 15 वाली रैंक पर है, डीलर वाली रैंक पर, तो डीलर वाली में जब तक 15-15 लाख तक नहीं पहुंचेंगे आप, तब तक दोनों लेग आपका कैरी फॉरवर्ड होगा, और जिस दिन भी यहां पर पहुंचेंगे तो एक्स्ट्रा बिजनेस यहां चला जाएगा। इस तरह से ये एन जो है आपकी इनकम को और आपके कमीशन को बताता है कि किस तरह से ये वेरीफाई होता है। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, फिर भी ना समझ में आया हो तो एक बार दो बार तीन बार आप इस वीडियो को देखिए, और जरूर एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपनी टीम के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। होता क्या है, जब तक हम अपनी टीम को ये नॉलेज, हम लीडर हैं, हम बहुत नॉलेजेबल हैं, लेकिन मेरी टीम में कोई नॉलेज नहीं है तो मेरी लीडरशिप का कोई मतलब ही नहीं है। मैं इसी तरह से जो मैं जिस इनकम के लिए आया हूँ नीचे लीडरशिप डेवलप करने आया हूँ, वो लीडरशिप मैं कभी डेवलप नहीं करूंगा। तो लोग क्या करते हैं, नॉलेज अपने तक रख लेते हैं, लोगों तक नहीं पहुंचाते। आप अपनी टीम तक शेयर कीजिए, और इससे पहले जो मैंने प्लान डाला है आपको, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लान को जरूर देखिए, मेरा पुराना प्लान नहीं, लेस एक हफ्ते पहले, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप वहां पर क्लिक करके पहले प्लान देखिए, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला समझिए, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा दोस्तों बहुत इजी वे में कि किस तरह से इसमें बहुत ही खूबसूरती के साथ में, मतलब 44% कंपनी ने बोला है तो वो डिस्ट्रीब्यूट ही करना है उसने, और जितनी बड़ी रैंक होगी उतनी ज्यादा रैंक में फ्लशिंग होगा और उतना ज्यादा हमारा एन फॉर्मूला चेंज होता है सर। तो ये मैंने शॉर्ट एंड स्वीट बताया दोस्तों, स्टे कनेक्टेड रहिए, और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, बेल आइकन को दबा कर रखें, और अपनी टीम के साथ शेयर करें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं आपको इमीडिएट आपको उसके बारे में डिटेल मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टे हियर, थैंक यू।